हेलो चैंपियंस, लंका प्रीमियर लीग के लीग स्टेज के सबसे लास्ट मैच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मुकाबला डम्बुला सिक्सर और कोलंबस टाइगर के बीच, ये मैच 16 जुलाई यानी कि आज के दिन शाम के 7:30 बजे दोस्तों ये मैच आर प्रेमदास स्टेडियम यानी कि कोलंबो में खेला जाएगा। देखो यहाँ से भाई जो बात है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर में कर दूं। देखो भाई, कोलंबस टाइगर ऑलरेडी क्वालिफाई हो गई है और दोस्तों देखो नंबर 4 के पोजीशन के लिए भाई यहाँ पर अगर डम्बुला सिक्सर को क्वालिफाई करना है तो दोस्तों उन्हें बहुत ही बढ़िया मतलब मैच के डिफरेंस से इस मैच को जीतना होगा, जो कि दोस्तों आई थिंक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं इस मैच में हमारी टीम क्या रहेगी। दोस्तों वैसे यार देखो, कोलंबस टाइगर काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, इनके पास शहदाब खान, मतीजा पथिराना, रहमानुल्लाह गुरबा जैसे दोस्तों इन्फॉर्म लाइनअप भी है। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं इस मैच में कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप रहेंगे और भाई इस मैच में हमारी सेफ टीम और इस मैच में हमारे लिए मिनी जेल ग्रैंड लीग की टीम क्या रहने वाली है। ठीक है, उसके साथ दोस्तों देखो आपको मैं कुछ प्रेडिक्शन भी दूंगा जिसके बेस पे आप दोस्तों किसी भी कॉन्टेस्ट को, किसी भी लाइनअप को दोस्तों, ठीक है, आप किसी भी देखो कॉन्टेस्ट को आप बहुत ही आसानी से आप विन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बाकी दोस्तों उससे पहले फटाफट से, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल टॉप पर आपको मिल जाएगा, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होती है, फाइनल अपडेट होता है, आपको मैं सारा का सारा अपडेट, सारी की सारी जो भी मेरी टीम होती है, सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको दूंगा। तो भाई मेरे जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, पहले दोस्तों लोग यहाँ पर बात करें पिच रिपोर्ट क्या रहेगी। और दोस्तों देखो, पिच रिपोर्ट सबसे मेन होती है मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैच होने वाला है ये होने वाला है आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में, जो कि एक बिल्कुल ही बैलेंस पिच है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलर की, तो भाई यहाँ पर लास्ट 3 मैच में, आगे मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा जिसे दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर होगा, लास्ट 3 मैच में यहाँ पर फास्टर स्पिनर दोनों ने यहाँ पर विकेट अपने नाम किया है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ का एवरेज स्कोर 140 से 150 के बीच का है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर ज़्यादा रन बनते भी नहीं है वैसे। ठीक है, बाकी देखो टोटल इस पर 58 मैच हुआ है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 23 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ पर 34 बार मुकाबले को जीता है। ठीक है, बाकी दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न आपके सामने है। दोस्तों इस विकेट का सबसे हाई स्कोर 222 रन का है और सबसे लोएस्ट स्कोर यहां पर 80 रन का है। ठीक है, गाइस बात करें यहां पर जो इस वेन पर जो लास्ट के 3 मैच हुए हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई देखो 3 मैच में से भाई 2 मैच यहाँ पर रन को चेज करने वाली टीम ही मुकाबले को जीती है। और भाई देखो लास्ट 3 मैच में फास्ट बॉलर को 17 विकेट और भाई स्पिनर ने यहाँ पर 19 विकेट अपने नाम किया है। तो देखो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट, चाहे फास्ट हो या स्पिनर हो, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, गाइस बात करें यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो देखो भाई वैसे सिक्सर और टाइगर का जो रिकॉर्ड है ना भाई, देखो उसमें आपको थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंट मिलेगा। मतलब देखो दोनों टीमों के बीच टोटल 10 मुकाबले हुआ है, जिसमें से 7 बार डम्बुला सिक्सर और भाई देखो केवल 3 बार ही स्ट्राइकर ने मुकाबले को विन किया। बट दोस्तों जो ये वाला सीजन रहा है ना भाई, देखो यार ये वाला सीजन डम्बुला सिक्सर के लिए भाई देखो काफी खराब रहा है। ठीक है, तो देखो भाई रिसेंट फॉर्म के मामले में सिक्सर दोस्तों देखो थोड़ी सी वीक टीम इस बार की दिख रही है। ठीक है, तो गाइस देखो आप इस मैच में आप फिर से देखो कोलंबस टाइगर को आप इस मैच में आप प्रेफर आप कर सकते हो, क्योंकि देखो इसकी टीम के पास भाई शहदाब खान, पथिराना, गुरबा जैसे भाई देखो बिल्कुल ही भाई स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। ठीक है, गाइस बात करें भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस मैच में क्या रहेगी। देखो भाई डम्बुला सिक्सर की प्लेइंग 11 जो है वो आपके सामने है, अभी फिलहाल के लिए जो प्लेइंग 11 है दोस्तों वो आपके सामने है। बाई चांस अगर इनमें से कोई भी चेंजेस होता भी है तो गाइस आपको मैं अपडेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर देखो मैं डाल दूंगा, तो भाई देखो आप बिल्कुल रिलैक्स रहना। ठीक है, देखो भाई मैंने सारे प्लेयर का मैंने रिसेंट फॉर्म हेड टू रिकॉर्ड और गाइस देखो मैंने इस वेन्यू का रिकॉर्ड भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो अगर आप एक एक प्लेयर का अगर मैं नाम लेके बोलूंगा तो भाई देखो वीडियो भाई बहुत ही बड़ी बन जाएगी। तो भाई देखो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, आप चाहो तो भाई आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप देखो ले सकते हो। ठीक है, देखो फिलहाल के लिए यहाँ पर डम्बुला सिक्सर की ओर से यहाँ पर आपको रेजा हेंड्रिक्स और कुशल परेरा, जो कि भाई देखो टीम का विकेट कीपर भी है, देखो दोनों प्लेयर आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर इब्राहिम जादरान, जो कि भाई देखो इस मैच का आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रम्प कार्ड ऑप्शन भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 पर दोस्तों देखो लहरू उडारा, राइट हैंड बैट्समैन। ठीक है, गाइस देखो ये ना कभी कभी दोस्तों देखो ये पार्ट टाइम ये बॉलिंग भी करने के लिए आता है। बाकी दोस्तों वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो, 10 मैच में दोस्तों 49 रन, 7 में 3 विकेट, तो देखो भाई टोटली ये बंदा फ्लॉप प्लेयर है। ठीक है, नंबर 5 पर गाइस मार्क चैपमैन, गाइस देखो इन्होंने पहले कुछ मैच में दोस्तों इन्होंने काफी बढ़िया इनिंग खेली थी, मतलब एक दो मैच में, बट देखो उसके बाद ये टोटली मतलब फ्लॉप ही रहा। इन्हें स्टार्ट मिलता भी है, बट देखो ये स्टार्ट को भाई बड़े रन में ये कन्वर्ट नहीं कर पाते। हालांकि दोस्तों इनकी बैटिंग ना काफी नीचे आती है। ठीक है, इसके अलावा गाइस देखो टीम के कैप्टन मोहम्मद नबी, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बैटिंग बॉलिंग आपको ये 200 पॉइंट लाकर आपको दे देगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो सोनल दिनेश्वर, देखो यार टीम का ये युवा बॉलर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, लेफ्ट आर्म ये ऑर्थोडॉक्स ये बॉलिंग करता है। वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो, 2 मैच में 3 विकेट, मतलब आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा, ये बैटिंग से भी आपको ये पॉइंट लाकर आपको दे देगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो यार सीएच विक्रम सिंह लेफ्ट हैंड बैटिंग ये करता है। बाकी दोस्तों ये देखो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है। बाकी गाइस देखो इनका रिकॉर्ड आपके सामने, इस वेन्यू पर 4 मैच में केवल 1 विकेट, तो देखो भाई टोटली ये बंदा फ्लॉप ही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दुष्यंत हेमंता लेग स्पिनर बॉलिंग करता है
और गाइज इस साल दोस्तों ये बंदा काफी बढ़िया फॉर्म में भी है। लास्ट मैच में 3 विकेट, उसके अलावा 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। तो गाइज देखो ये बंदा मतलब टोटली काफी अच्छा फॉर्म है। बाकी गाइज आप इनका हेड टू रिकॉर्ड, आप इनका वेन्यू का रिकॉर्ड भी आप इनका देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो दिलशान मधुसंघा, दोस्तों देखो जैसा ये बॉलर है दोस्तों उसके हिसाब से दोस्तों ये इनका साल बिल्कुल खराब गया है। वैसे गाइज आप आज के मैच में ये बंदा चल सकता है, बट देखो मेरे हिसाब से स्मॉलिंग में देखो आप एज अ रिस्की प्लेयर आप अपने टीम में लेना, ठीक है। काफी दोस्तों ये बढ़िया बॉलिंग करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो नुमान तुसारा, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, बट दोस्तों उसके पहले मैच में 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो मतलब देखो ठीक ठाक फॉर्म में रहा है। बाकी वेन्यू पर 17 मैच में दोस्तों इन्होंने टोटल 19 विकेट अपने नाम किया है, मतलब ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो स्टार्टिंग का ओवर है इसमें आपको नुमान तुसारा, दिलशान मधुशंकर और फिर आपको यहाँ पर सोनल डिनुसा दिखेंगे पहले पावर प्ले में, और गाइस डेथ के ओवर में आपको सी विक्रम सिंह है, इसके अलावा आपको दिलशान मधुशंका का ओवर, फिर आपको यहाँ पर नुमान तुसारा का ओवर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे ये तो बात हो गई डम्बुला सिक्सर की। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर की, तो देखो भाई कोलंबो स्ट्राइकर के पास दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बैटिंग और गाइज देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइज इनके पास यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप भी है, ठीक है। देखो भाई इनकी टीम की ओर से जो ओपनर रहेंगे वो गाइज यहाँ पर रहेंगे रहमानुल्लाह गुरगुरबा, जो कि दोस्तों इस टीम का दोस्तों सबसे लीड रन बनाने वाला प्लेयर है। इसके साथ आपको यहाँ पर एंग्लो परेरा इनके साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा। गाइज देखो यहाँ से आपके लिए सेफ ऑप्शन रहमानुल्लाह गुरगुरबा रहेगा, बैटिंग के साथ आपको ये विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे देगा। इसके अलावा नंबर 3 पर मोहम्मद वासीम, दोस्तों देखो बैक टू बैक ये बंदा काफी बढ़िया फॉर्म में है, मतलब ठीक ठाक ये रन बनाकर दे रहा है, ठीक है। लास्ट मैच में मैच में 50 रन, उसके अलावा 35 रन, मतलब देखो ठीक ठाक फॉर्म है। इसके अलावा नंबर 4 पर ग्लैन फिलिप्स, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है। भाई देखो एक मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई, इसके अलावा दोस्तों जितने मैच में इनकी बैटिंग आई है भाई 70 रन 52 रन 58 रन, मतलब देखो एक अलग ही फॉर्म में चल रहा है और आपकी टीम में सबसे मेन प्लेयर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर विश्वकर्मा, ठीक है। देखो भाई इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी नीचे है, तो आई थिंक आप अपने स्मॉलिंग की टीम में तो आप इन्हें खासकर ड्रॉप करना है। इसके अलावा दोस्तों थिसारा परेरा टीम का कैप्टन, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है, एक ठीक ठाक ऑप्शन है, आई थिंक मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों शहदाब खान, राइट हैंड बैट्समैन, लेग स्पिनर बॉलर। भाई देखो यार लास्ट मैच में तो इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बट दोस्तों उसके पहले मैच में इन्होंने भाई 4 विकेट लिए थे, मतलब देखो ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में। इसके अलावा गाइज दुनित वेलेलांगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लास्ट मैच में 2 विकेट, हेड टू रिकॉर्ड आपके सामने है, 3 मैच में 2 विकेट। इसके अलावा वेन्यू पर 14 मैच में 8 विकेट लिया है, तो देखो थोड़ा सा मैं बोलूंगा रिस्की ऑप्शन है, बट देखो फिर भी मैं बोलूंगा भाई शहदाब खान को तो आप देखो ड्रॉप मत ही करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो यार यहाँ पर इशाता, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लास्ट 2 मैच में 2 विकेट 1-1 विकेट मिला है। इसके अलावा दोस्तों मैं बोलूंगा यार ये बंदा आपके लिए रिस्की ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो बिनूरा फर्नांडो, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर, दोस्तों देखो इनका ये भी मतलब जो साल रहा है मतलब ठीक ठाक ही रहा है, एवरेज रहा है। वैसे हेड टू रिकॉर्ड आपके सामने है, 4 मैच में 9 विकेट ठीक ठाक इनका गाइस देखो मतलब वर्चस्व है। इसके अलावा वेन्यू पर 16 मैच में इन्होंने 23 विकेट अपने नाम किया, तो देखो भाई ये बंदा आपके टीम में होना चाहिए। इसके अलावा मथीसा पथिराना, लास्ट मैच का हीरो, लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच, लास्ट मैच में इन्होंने भाई 4 विकेट लिया था और हेड टू रिकॉर्ड आपके सामने है, 3 मैच में 5 विकेट। बाकी वेन्यू पर भी इन्होंने 11 मुकाबले में टोटल 17 विकेट अपने नाम किया, तो देखो भाई प्लेयर खासम खास है, ठीक है। बाकी मेरे भाई बॉलिंग रोल की बात करूं तो जो स्टार्टिंग ओवर है इसमें आपको बिनूरा फर्नांडो, थिसारा परेरा और शहदाब खान दिखेंगे पहले पावर प्ले में, और गाइस डेथ के ओवर में मथीसा पथिराना का मेन ओवर रहता है 2 ओवर, इसके अलावा शहदाब खान और फिर आपको यहां पर 1 से 2 ओवर बिनूरा फर्नांडो भी आपको यहां पर करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। गाइस बात करें यहां पर टीम की, तो देखो भाई अभी के लिए मेरी प्री फाइनल टीम है, फाइनल टीम आपको मैं टॉस के बाद जैसे ही लाइनअप आती है उसके अलावा उसके बाद आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो भाई मेरे जुड़ना मत भूलना, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम के चैनल जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। देखो ये अभी के लिए मेरी सेफ टीम है, टीम का कैप्टन अभी के लिए मेरा शहदाब खान है, पीछे दोस्तों मैंने अभी के लिए देखो मैंने गुरबच को किया है। अगर आप देखो थोड़ा सा अलग हट के जाना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए मथीसा पथिराना और फिर आपके लिए भाई यहाँ पर ग्लैन फिलिप्स भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी दोस्तों अगर आप इस मैच में डम्बुला सिक्सर को आप प्रेफर कर रहे हो तो फिर आपके लिए भाई यहाँ पर देखो कुशल परेरा के साथ यहाँ पर आपके लिए देखो भाई नुमान तुसारा भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई मेरे वीडियो को आप एक ऐड कर दो फटाफट से लाइक, आपका देखो प्यार सपोर्ट समर्थन मिल जाए तो भाई हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी दोस्तों को हमारे साइड से बेस्ट ऑफ लक।